स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल हम 64 हम इसका एलसीएम कर लेंगे, टू थ्री जार सिक्स, टू टू जार फोर, टू सिक्सटीन जार, टू एट जार, टू फोर जार, सिक्सटी फोर हमारे पास कोई डिजिट था, हमने उसे एलसीएम कर टू से, पहले हम टू से करते हैं, फिर अगर टू से ना हुआ तो थ्री से करते हैं, थ्री से ना हुआ तो फोर से कर लेंगे, पहले छोटे से ही करते हैं, पहले छोटे प्राइम नंबर से करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब इसका डिवीजन कर लिया, एलसीएम कर लिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कर लिया, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं 64 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। स्क्वायर के लिए हमें पता है कि दो टर्म्स को, किसी चीज को खुद से ही दो बार मल्टीपल करना, इसलिए हम इनकी जोड़ी बनाते हैं। अगर यहां पर हमारे कंप्लीट जोड़ी बन गई 2 2 2 2 2 तो हम बताएंगे यहां पे हम एक उठा लेंगे इन दोनों में से, 2 इंटू इन दोनों में से एक इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर यहां पर हमारी जोड़ी बन गई, फिर हमारा एक ही बच गया, यहां पर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 अगर फिर इंटू 2 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। हमने जो देख लिया स्क्वायर रूट, यहां पे हमने स्क्वायर कर लिए,
स्क्वायर के पीछे पीछे वाला डिजिट जो था 1 और 9 का 1 है, 2 और 8 का 4 है, 3 7 का 9 है, 4 और 6 का 6 है, 5 और 5 का 5 और 0 का 0 है। तो हम यहां पे बताएंगे जो आखिरी डिजिट थे वो 0 1 4 5 6 9 था। अब जो हमें 10 डिजिट तक जो यहां पे प्रेजेंट नहीं है उनमें से आता है 2 3 7 8 यहां पे जिनके पीछे ये होते हैं, ये डिजिट होते हैं, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर थे। क्योंकि अब यहां पे ये 4 एब्सेंट है तो हम बताएंगे जिन भी डिजिट्स का नंबर्स का लास्ट डिजिट होगा टू थ्री सेवन एट वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। जिनके पीछे 2 3 7 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और साथ में ही बाकी चीजें भी है, बाकी नंबर्स भी है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, हम उन्हें फाइंड आउट करते हैं। मगर जिनके पीछे भी ये डिजिट्स होते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, उन्हें हमें देखने की भी जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट बता लेते हैं कि ये टर्म, ये डिजिट या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब हम कोई नंबर लेंगे, एक्सरसाइज 5.2 से लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ना तो इसके पीछे 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8। तो हम बता सकते हैं अभी हमारे पास कंफर्म नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर रूट है या नहीं है। क्योंकि इनके पीछे अगर कोई भी डिजिट इन चारों में से होता तो हम डायरेक्ट बताते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहां पे कर लेंगे इनका एलसीएम, 484 का एलसीएम कर लेंगे। 2 2s are 2 4s are 2 2 1s are 2 2s are 11। यहां पे हमारी जोड़ी 2 2 into 11 into 11, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, यहां पे 2 यहां पे 11 आएगा। 22 का स्क्वायर 4 8 4, पार्ट नंबर सेकंड हम कर लेंगे 9 4। यहां पे देखते हैं 2 3 7 8, उनमें से कोई आखिरी डिजिट नहीं आता है तो हम अब चेक कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं। यहां पे देखते हैं 9 4, हम इसका 2 से नहीं कर सकते हैं, 3 से भी नहीं कर सकते हैं, 7 से देख लेंगे, 7 1 7 3 0 1। यहां पे 7 से भी
नहीं होगा। हम अब इसका थर्टी वन से कर लेते हैं। थर्टी वन का स्क्वायर जो आता है 961 आता है, और साथ में ही 30 का स्क्वायर जो है वो 900 आता है। तो इन दोनों में से ये मैच नहीं करता है, तो हम बताएंगे कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट परफेक्ट। पार्ट नंबर थर्ड, फाइव सेवन सिक्स टू थ्री सेवन एट में आखिरी डिजिट कोई नहीं है, तो हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। टू टू जार कैरी वन होगा, टू एट जार टू एट जार टू वन जार फोर जार टू फोर टू सेवन जार टू 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 थ्री जार टू एटीन जार टू नाइन जार थ्री। यहां पे हम इन दोनों में से एक लेंगे टू, इन दोनों में से एक लेंगे टू, इन दोनों में से एक लेंगे टू, इन दोनों में से टू टू जार फोर टू थ्री जार सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर। ट्वेंटी फोर का स्क्वायर जो होगा फाइव सेवन सिक्स फाइव हंड्रेड। हमें देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। यहां पे हम इसका एलसीएम कर लेंगे, टू वन जार टू जार फाइव जार टू जीरो टू सिक्स जार टू टू जार टू फाइव जार, क्योंकि अब हमें पता है जो ये सिक्स टू फाइव है हमने कल ही बताया था ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर जो है इक्वल टू सिक्स टू फाइव, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव, या हम आगे भी कर सकते हैं फाइव से डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, मगर हमें यहाँ पर पता है कि जो ये सिक्स टू फाइव है ये ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों में से 25, इन दोनों में से टू इक्वल फिफ्टी, फिफ्टी का स्क्वायर जो है टू फाइव जीरो जीरो। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन आप कल कर लेंगे, आज के लिए बस इनको ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच।